ग्रेनेस चैनल की तरफ से भरत का सलाम, सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार और मेरा बहुत मोहब्बत भरा सलाम। बच्चे कैसे हैं आप लोग? सब लोग आए जी, अब हम चलेंगे अपनी स्टोरी टाइम की तरफ। जनाब, तो बच्चों क्या हाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कहीं कहीं पे तो स्कूल खुल चुके हैं अब, तो कैसा है स्कूल गोइंग का तजर्बा बाद में? अब कोविड के दिनों में ज़रूर ख्याल रखिएगा, मास्क पहन के जाइएगा और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिएगा। अम्मी यकीनन आपके बैग में सैनिटाइज़र रखती होंगी। तो चलिए जी, आप बच्चों पहले आप डब्बू से और वाइटी से तो मिल चुके हैं। इसका नाम वाइटी है और ये डब्बू मियाँ हैं। लेकिन आज हम एक और नया मेहमान आया है आपसे मिलने के लिए, और ये है छोटा सा शीप, ये देखिए। तो आज की जो कहानी है वो एक बड़ी ही अजीबोगरीब बीमारी के बारे में है कि पुराने ज़माने में एक बादशाह था किसी मुल्क का, तो उस बादशाह को बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी हो गई। अब वो किसी हकीम, किसी जो उसके अकलमंद लोग थे उसके मुल्क में, उनको बुलाया गया, जमा किया गया तमाम तजर्बाकार लोगों को, लेकिन किसी की समझ में भी उसकी बीमारी ना आती थी। आखिरकार एक हकीम ने कहा कि हम इंसान का जो लीवर है यानी जिगर है उसके खून से हम ये दवाई तैयार कर सकते हैं जो कि बादशाह सलामत को दिए तो उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसने एक शर्त भी साथ में रखी। उसने कहा कि वो इंसान जिसका खून इस्तेमाल होगा, वो शख्स जब सूरज निकलता है अगर उस वक़्त पैदा हुआ हो तो फिर हम उसका खून इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया, जगह जगह पे लोगों ने ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि इस तरह का हमें कोई बंदा चाहिए जो कि सूरज निकलने के वक्त पैदा हुआ हो और उसके लीवर का जो ब्लड है उसको इस्तेमाल करके बादशाह सलामत को बचाया जा सकता है। तो आखिरकार उन्हें पता चला कि एक बच्चा है जो कि इसी तरह सूरज निकलने के वक्त पैदा हुआ था। तो उसको उसके वालदैन को बुलाया गया, फिर उनको बड़ी लालच दी गई कि आपके लिए हम ढेरों सोना चांदी और शर्फियाँ देंगे, तो वो लोग भी उस लालच में आ गए। खैर हुआ ये कि फिर वो वालदैन मान गए, ताकि जो सिपाही थे उसके हवाले कर दिया। अब ये बच्चे को लेके वहाँ पहुँचे बादशाह सलामत के जहाँ पर महल था। लोग बीच में से जो रहम दिल थे दरबार में, उन्होंने कहा कि ये एक जुल्म है बच्चे को इस तरह मारना। तो ये जो मुकदमा था ये काजी साहब के पास भेजा गया, यानी जैसे आजकल जजेस होते हैं तो उनको, उस वक़्त काजी साहब होते थे, तो वो उनके पास मुकदमा गया। और काजी साहब को भी लालच आ गया और वो भी बादशाह को खुश करने के चक्कर में कि मुझे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, उसने भी ये कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, हुक्मरान की ज़िंदगी बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं। खैर आखिरकार वो दिन आया जब जलाद ने उसको बच्चे को उसकी गर्दन उड़ानी थी और बादशाह सलामत के लिए जो उसके खून था उसको यूज़ करना था। तो जिस दिन ये वाला अमल दोहराने लगे तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, तो बादशाह जो था उसको गुस्सा आया, दूसरे लोग भी बड़े हैरान परेशान हो गए कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों कह के लगा रहे हो? कहने लगा कि हुजूर, मैं कानून का मजाक उड़ाने वालों की अकल और लालची इंसानों की सोच पर हंस रहा हूँ। लड़के ने बड़ी जुर्रत से जवाब दिया, ये सारी कार्रवाई एक तमाशे से कम नहीं, और तमाशा भी ऐसा जिस पर सिर्फ कहका ही लगाया जा सकता है। बादशाह बोला, उस्ताख लड़के खामोश हो जाओ। बादशाह के जो वफादार वजीर थे वो बोले, तुम बादशाह की तोहीन कर रहे हो। लड़का खामोश हो गया तो बादशाह ने नरम लहजे में अपने सवाल को फिर दोहराया। उसने फिर से पूछा कि तुम कह के ही क्यों लगा रहे थे? लड़के बादशाह को बड़े गौर से देखा और कहा, हुजूर, बच्चा हर मुसीबत के वक़्त अपने वालदैन का सहारा लेता है। बाप की शफकत और माँ की ममता दोनों नफा नुकसान से बुलंद होती है। सबसे बड़ी बात के वालदैन के बाद जो हाकम वक्त होता है वो रियाया की हिफाजत करता है। यहाँ बादशाह अपनी बीमारी दूर करने के लिए मुझे कत्ल करवा रहा है, और जो काजी है उसने भी मुझे कत्ल करवाने का हुक्म जारी कर दिया है, और वालदैन जो हैं वो भी लालच में आ गए हैं, तो फिर मैं कहकर ना लगाऊं तो और क्या करूं?
अब लड़के की जो सच्ची बातें थी उसके ऊपर सारे दरबारियों का दिल जो था वो नरम पड़ गया और वो सब सोचने लगे कि हाँ ये लड़के के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। उन्होंने पूछा कि लड़के तुमने आसमान की तरफ क्यों देखा, क्योंकि बच्चा जब ये बातें कर रहा था तो वो आसमान की तरफ देख रहा था। तो बच्चे ने जवाब दिया, जनाब ज़मीन की इस अदालत पर आपकी हुक्मरानी है। लड़के ने कहा, लेकिन एक अदालत आसमान पर भी लग चुकी है और मैंने अपना मुकदमा उस अदालत में पेश कर दिया है। याद रहे इस अदालत में खुदा का हुक्म चलता है और अब मैं हाकमों के हाकम की पनाह में आ चुका हूँ, लिहाजा खुशी से कह कहा लगा सकता हूँ। लड़के की जो बातें थीं उन्होंने बादशाह के दिल पर बहुत असर किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जलाद को हुक्म दिया कि वो तलवार को न्याम में डाल ले और खुद आगे बढ़कर उसने बच्चे को गले से लगा लिया। बेटा तेरी सच्ची बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, बादशाह ने आंसू बहाते हुए कहा। हाकम को वाकई रियाया का मुहाफ़िज होना चाहिए और मैं अपनी जान बचाने की खातर एक मासूम इंसान की जान ले रहा था, तो मुझे माफ़ कर दे ताकि खुदा भी मुझे माफ़ कर दे। अब मैं अपनी हुकूमत के हर फर्द को अपने बच्चों की तरह समझूंगा और तेरी तालीम और तरबियत जो है वो मैं खुद करवाऊंगा। बादशाह ने लड़के को सीने से लगा लिया और उसे जिस्म में नई ताकत का एहसास होने लगा। यानी अच्छा काम करने के बाद जाहिर है कि बंदा अच्छा फील करता है, तो बादशाह ने भी जब उसको अपने गले से लगाया तो उसको अपने जिस्म में अपने बॉडी में ताकत महसूस हुई। हाकिम ने खुदा की मखलूक पर रहम किया तो खुदा को हाकम पर प्यार आने लगा। जब खुदा मेहरबान हो जाए तो इंसान के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कहते हैं बादशाह उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। सारे तजर्बाकार हकीम हैरान रह गए। तो ये आज की कहानी थी। इससे साबित ये होता है कि इंसान लालच में आकर या अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए और खुदा से दुआ मांगे अपने अच्छाई के लिए, अपने किसी फ़ायदे के लिए, क्योंकि खुदा सब कुछ नवाजने वाला है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए या बड़े बड़े फ़ायदों के लिए किसी की तरफ ना देखें, किसी से मत मांगें, किसी को नुकसान मत पहुँचाएँ, बल्कि अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो अपनी ज़रूरतें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआएं मांगें और फिर उसके पूरे होने का इंतज़ार करें। वो यकीनन किसी ना किसी वक़्त वो ज़रूर पूरी करता है, अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। आप मांगने वाले बने तो अल्लाह ताला का वादा है कि तू मुझसे मांग, मैं तुझे बख्शने वाला हूँ, मैं तुझे देने वाला हूँ। तो चलें इंशाल्लाह अगले वीक पे फिर कोई अच्छी सी कहानी और लेके आएंगे। तो भाई बड़ी मेहनत से पढ़ें बच्चों, और खेलने के वक्त खेलें भी, लेकिन अपने अम्मी अब्बू को मत तंग करें। आजकल एहतियात से रहें, ज़्यादा बाहर मत निकलें, इंटरेक्शन जो है वो कम से कम करें दूसरों के साथ। और चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बाय बाय। वाईटी भी आपको बाय बाय कर रहा है और डब्बू कह रहा है ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।